हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं विंडो वीडियो एडिटर का फुल ट्यूटोरियल। तो अपना विंडो वीडियो एडिटर आप ओपन कर लीजिए। आप सर्च बॉक्स में जाके सर्च कर सकते हैं कि विंडो वीडियो एडिटर, फिर आपका आ जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स, मेरी पहले की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो मैं उसमें से ही आपको एडिट करके बता देता हूँ। ये वीडियो वैसे मैं अपने पीसी से डिलीट कर चुका हूँ, जो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। वैसे विंडो एडिटर में ये पड़ी रहती हैं, आप इसे चाहें तो वापस अपने पीसी में इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेरी फाइल्स यहाँ पर ऐड होनी शुरू हो गई हैं फ्रेंड्स, तो नीचे कई फाइल्स मेरी फ्रेंड्स लोड नहीं हो पाई हैं, उन्हें अभी हम देख लेंगे बाद में। पहले तो देखिए, आप ऐड के बटन पे जाइए। आपको जो भी चीज़ें ऐड करनी है, आप वेब से ऐड कर सकते हैं, अपनी कलेक्शंस में से ऐड कर सकते हैं, अपने पीसी में से कोई भी वीडियो, फोटो या म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने यहाँ पे अपनी एक वीडियो इम्पोर्ट कर ली है, देखिए यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लूँगा। फाइल ऐड हो जाने के बाद आपको ऊपर एक प्लेस ऑन स्टोरी बोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो नीचे आ जाएगी। ये कुछ फाइल्स मेरे लोड नहीं हुए हैं, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। आपकी भी अगर कोई फोटो है, आप नहीं चाहते कि वो वीडियो में हो, तो आप यहाँ से उसे रिमूव कर सकते हैं। फोटो वो वीडियो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, आप इसे रिसाइज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए मेरी दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे वीडियो भी है और ऑडियो भी है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी फास्ट स्पीड में फ्रेंड्स हम आज चलेंगे, तो देख लीजिए आप स्क्रीन पर आपकी वीडियो प्ले हो रही है। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इसमें। जैसे कि मैंने इस इमेज पे क्लिक कर दिया, इसमें आपको टेक्स्ट का ऑप्शन का, मोशन, बाकी सब का ऑप्शन का ऑप्शंस मिल जाएंगे इसमें। जैसे कि मैंने अभी टेक्स्ट पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेट कर दूंगा। अभी देख लीजिए, ऊपर आपको एक बॉक्स दिखेगा, उसमें आपको जो भी टेक्स्ट लेना है वो आप टाइप कर दीजिए। तो टेक्स्ट टाइप हो जाने के बाद आप सिंपल लिख सकते हैं। बहुत सारे आपको टेक्स्ट के टाइप यहाँ पे मिल जाएंगे। आप नीचे से अपना टैक्स आपको ऊपर रखना है, दाएं रखना है, बाएं रखना है, ये आप सेट कर सकते हैं। नीचे लेआउट का आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा, उसमें आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ इसे कैंसिल कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो वीडियो में आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिलेंगे, फिल्टर्स का आपको बहुत अच्छा इफेक्ट यहाँ पे मिल जाता है। देख लीजिए, आप कोई भी अपनी तरफ से फिल्टर कर सकते हैं ऐड। इमेजेस में भी आपको सेम सभी ऑप्शंस वैसे ही मिलेंगे। आपको स्पीड का बहुत अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, अपनी वीडियो को स्प्लिट भी कर सकते हैं, दो भागों में बांट भी सकते हैं। जैसे मेरी यहाँ बट गई है, मैंने एक वीडियो को ट्रिम कर लिया है। जैसे आप ट्रिम भी कर सकते हैं यहाँ से अपनी वीडियो को। ट्रिम करने के बाद अगर आपसे कोई गलती हो जाए, तो आप उसे वापस ट्रिम में जाके फिक्स कर सकते हैं, जो भी आपको है, या ट्रिम बढ़ा सकते हैं। मोशन में आप अपनी वीडियो जूम इन सेंटर, जूम आउट, लेफ्ट जूम, राइट जूम, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। या आपको फोटोज़ में भी ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फिल्टर्स का। जैसे कि ड्यूरेशन का एक ऑप्शन होता है, आपकी इमेज कितने सेकंड तक या कितने मिनट तक स्क्रीन पे अपीयर होगी, वो भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप सारी चीज़ें रिमूव कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ आप फुल स्क्रीन में रिव्यू भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद आता है बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक मैं यहाँ ऑफलाइन हूँ, फिर भी मेरे पास देख लीजिए कितने सारे ऑडियो हैं जो पहले से ही विंडो में डले हुए आते हैं। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसका ऑडियो नीचे रिसाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कस्टम ऑडियो में आप अपनी तरफ से कोई भी ऑडियो फाइल ऐड ऑडियो फाइल पर क्लिक करके ला सकते हैं। मैंने यहाँ दो, एक अपना सॉन्ग और एक अपनी रिकॉर्डिंग डाल रखी है। देख लीजिए, कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे, मतलब देख लीजिए मेरा अभी वो नहीं था, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक को पहले। तो देख लीजिए, कई लोग सोचते हैं कि इसमें हमें एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन फ्रेंड्स होता है। थोड़ा सा इसमें ऑडियो के ट्रिम आगे से पीछे से इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप अपनी वीडियो, मतलब ऑडियो को पीछे से बढ़ा रहे हैं, तो पीछे से इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आगे से पीछे कर दिया, तो वो कट जाएगी, मतलब आगे से ट्रिम हो जाएगी। और पीछे से अगर आप कर रहे हैं, तो पीछे से आपकी ऑडियो ट्रिम हो जाएगी। जैसे आप वीडियो को ट्रिम करते हैं, वैसे आप ऑडियो, मान लीजिए कि ऑडियो पूरी फाइल रखी हुई है, आप उसे ट्रिम कर रहे हैं। कई बार आप जब यूज करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कैसे इसमें ट्रिम किया जाता है। फ्रेंड्स, यहां से आप अपने ऑडियो का वॉल्यूम सेट कर सकते हैं कि 70 पे होगा, 80 पे होगा, 100, 20, 30, फैड इन फैड आउट इफेक्ट भी आप सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं ऑफलाइन हूँ, तो मैं यहाँ आपको 3D इफेक्ट्स के ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ, जो कि काफी अमेजिंग है। इसमें देख लीजिए आप, इमेज पे, एक स्पेसिफिक इमेज पे मैंने क्लिक करा है, उसके आपको इफेक्ट्स दिख जाएंगे साइड में आते हुए। आप उसमें से कोई भी इफेक्ट ले सकते हैं, अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मैं दूसरी इमेज भी ओपन करूंगा, उसमें भी अगर मैं 3D इफेक्ट्स ओपन करता हूँ, तो उसमें ही मुझे वहीं इफेक्ट्स मिलेंगे। मैं एक इफेक्ट को बार बार लगातार भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे दो बार लगा लेता हूँ। मैं फ्रेंड्स अभी ऑफलाइन हूँ,
तो मैं कोई भी अपनी तरफ से 3D लाइब्रेरी में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे छूट गए थे। 3 डॉट्स के ऑप्शन पे आप अपनी वीडियो को लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हैं और साथ में थीम्स भी लगा सकते हैं।